गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी फ्रेंड आपकी टीचर करुणा शर्मा। चलिए बात करते हैं आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम कर चुके हैं न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, हीटरोट्रोपिक, क्लोरोफिल, ओमनीवोरस क्या होते हैं, गार्ड सेल, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोप्स, हर्बीवोरस, फोटोसिंथेसिस, वेजिटेबल लीव्स, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रोप्स, कार्निवोर्स और स्टोमेटा। ये आप अपनी जो फेयर नोटबुक है आप उनमें राइट डाउन करके रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस 7th क्लास का इस चैनल पे आपको अवेलेबल होगा। अगर आपको इनमें कोई डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियोस देखें और फिर आप इनको टैली करें। चलिए, हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, फर्स्ट हम रिवाइज करते हैं हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन डेफिनेशन। Heterotrophs are the organisms that cannot manufacture their own food and they derive their food from plants and other animals. जो कि अपना भोजन है वो प्लांट्स और अदर एनिमल्स से लेते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशंस को हम बोलते हैं हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रोपिक प्लांट्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इस कैटेगरी में आता है पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स, सिम्बायोटिक। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी और आपको अच्छे से क्लियर कंसेप्ट रहेगा। सबसे पहले देखते हैं हम पैरासिटिक प्लांट्स। पैरा मीन्स होता है स्टूडेंट्स अदर एंड सिटिक मीन्स होता है डिपेंडेंट। मीन्स जो नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अदर ऑर्गेनिजम्स पे लिव करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना भोजन लेते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। कॉमन एग्जाम्पल इसका है केसकटा और डोडर प्लांट, जिसको आप अमरबेल बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं अमरबेल, जो येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं अटैच करते हैं अपने आप को प्लांट से और रैप करते हैं स्टेम के अराउंड। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है प्लांट्स में वो इन प्लांट्स में नहीं होता। इट एब्जॉर्ब्स रेडीमेड फूड फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट से ये फूड एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके ऊपर ये क्लाइंब करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज होस्टोरिया। होस्टोरिया एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट। मीन्स जिस भी पेड़ पे ये बेलें हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट प्लांट। दैट टर्म्स इज नोन एज होस्टोरिया। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्रोफिटिक प्लांट्स। दैट मीन्स द प्लांट्स विच लिव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो अपना खाना खाने के लिए क्या करते हैं भाई, निर्भर रहते हैं। बहुत सारे जो बैक्टीरिया फंजाए हैं जैसे मशरूम है, मोल्ड है, यीस्ट है, इनको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक प्लांट्स। लैक ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर नहीं होता। दे डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो जो फंजाए हैं वो सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और उनको कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन में। वहाँ से वो क्या लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फंजाई आर कॉमनली सीन ऑन दी ड्यूरिंग और आफ्टर रेन्स। रेन्स के बाद, रेनी सीजन के बाद आप देखते हैं फंजाई आपको देखने को मिलती है। ऑल मशरूम्स हाउएवर आर नॉट एडिबल। सभी मशरूम हैं वो एडिबल नहीं होती। यू कैन विजिट टू सुपर मार्केट। व्हाइटिश अम्ब्रेला टाइप आपने देखा होगा, व्हाइटिश अम्ब्रेला टाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको मशरूम बोलते हैं। चलिए हम एक एक एक्टिविटी देखते हैं। टू स्टडी दी ग्रोथ ऑफ फंजाई, फंजाई की ग्रोथ देखते हैं। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसको ग्लास प्लेट पे रखना है, हल्का सा उसको मॉइस्चन कर देना है। ग्लास प्लेट मॉइस्ट वाटर में कवर करना है और पेट्री डिश में इसको क्या करना है, रखना है। इसको 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं। रखने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व आफ्टर 2 और 3 डेज अ कोटनी ग्रोथ ऑन दी ब्रेड स्लाइड। वाइट कलर की आपको फंजाई नज़र आएगी। यू मे सी 2 कॉटन लाइक थ्रेड्स। कॉटन ग्रोथ एंड द थ्रेड्स ऑफ द फंजाई आर कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, जिसको आप क्या बोलते हो भाई, ब्रेड मोल्ड मीन्स फफूंदी। ओके फ्रेंड्स, होप सो फॉर आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक प्लांट्स। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।